सर, आपने चांदौली की हर गली कंक्रीट करने का वादा किया हुआ है, यहाँ का काम अभी तक तो शुरू नहीं हुआ, क्या कहेंगे सर? ये यहाँ के लोग किसी के भिकवाने से किसी को डर के आए नहीं थे। मामा, यहाँ के लोगों को पानी की बहुत परेशानी, और यहाँ के लोगों का ये कहना है, आपके ऑफिस पे कई बार गए लेकिन अभी तक के काम नहीं शुरू हुआ, कब तक काम शुरू हो जाएगा यहाँ के रोड का और यहाँ यहाँ के के पानी लोगों को का? पानी के कहाँ भी तकलीफ नहीं है। अभी काम जो है कब तक चालू हो जाएगा, क्योंकि बारिश में कमर कमर तक यहाँ पे पानी भर जाता है, और जैसे स्कूल स्कूल चालू रहती है, स्कूल के बच्चों लोगों को काफी परेशानी होती है यहाँ से आने जाने में, तो कब तक यहाँ का काम चलेगा? ये काम अभी मेरे को बताया है, ये काम ये साल पूरा किया जाएगा। विषय पर बात करना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा था जब मुंबई पब्लिक स्कूल का ओपनिंग किया गया था, तो आपने ये भी कहा था कि उर्दू स्कूल का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, इस विषय में क्या कहेंगे? जब वो पब्लिक स्कूल का काम चालू किया उस वक्त मैं उर्दू स्कूल के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसके बाद में मुस्लिम समाज के लोगों को लगा कि हमारी उर्दू भाषा टिकना चाहिए, उर्दू भाषा पढ़ने के लिए स्कूल होना चाहिए। उसके बाद लोगों को बुला के मैं कहा कि जिनका काम था, जो आपके धर्म के थे, उन्होंने 20 साल आपको ओनली वादा किया, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए उर्दू भाषा पढ़ने के लिए एक भी स्कूल नहीं बनाया। लेकिन मैं दिलीप लांडे, आपके बच्चे उर्दू स्कूल में पढ़ने के लिए, उर्दू भाषा पढ़ने के लिए, उर्दू भाषा टिकने के लिए, उर्दू भाषा बढ़ने के लिए मैं एक अच्छा स्कूल बना के दूंगा, और ये 2023 में उसका काम शुरू करने जा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है चांदौली के आमदार दिलीप मामा लांडे। मामा सर, आज आप जरी मरीज पैरामाउंट में आए हुए थे, क्या कहेंगे, क्या बातचीत हुई और किस बारे में बात हुई? यहाँ पे माहे रमजान इस अच्छे मुहूर्त पे, अच्छे इस त्यौहार के अवसर पे मेरे विभाग के लोगों को शुभेच्छा देने के लिए और उनका दर्शन लेने के लिए, उनके आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आया। मामा, जैसा कि आपने चांदौली की हर गली कंक्रीट करने का वादा किया हुआ है, यहाँ का काम अभी तक तो शुरू नहीं हुआ, क्या कहेंगे सर? ये यहाँ के लोग किसी के भिकवाने से किसी को डर के आए नहीं थे। अभी उनको लगा कि पूरे चांदौली में अच्छा काम हो रहा है तो अपना भी काम हो जाएगा, और वो जो ऊपर वाले के भरोसे काम देख के ये लोग जो मेरे पास आए, इसलिए उनका स्वागत कर रहा हूँ। और उनके दिल में जो चाहते हो वैसा उनका आने जाने का रास्ता, उनके बिल्डिंग के सामने का पैसेज बनाने का काम ये साल में पूरा करके दूंगा। मामा, यहाँ के लोगों को पानी की बहुत परेशानी, और यहाँ के लोगों का ये कहना है, आपके ऑफिस पे कई बार गए लेकिन अभी तक के काम नहीं शुरू हुआ, कब तक काम शुरू हो जाएगा यहाँ के रोड का और यहाँ यहाँ के के पानी लोगों का? को पानी के कहाँ भी तकलीफ नहीं है। अभी जो पानी की तकलीफ है वो जो गटर का पानी बाहर आया उसकी का तकलीफ है। पीने के पानी की जो तकलीफ है वो पूरे बम्बई में जो तकलीफ है वो थोड़े दिन में 30 तारीख के बाद ये मसला खत्म हो जाएगा। और लोगों को चाहिए वैसा, हर चाली में आप देख लीजिए, हर चाली में 2 इंच का लाइन डाल के अंदर पानी दिया है, इसलिए लोगों को यहाँ पे पानी की कोई तकलीफ नहीं है। ये पानी गंदा पानी का तकलीफ है, वही उनको अच्छा रोड बना के देना है। भाई इधर से चलते कावले शॉर्टकट। मामा, ये रोड का काम जो है कब तक चालू हो जाएगा, क्योंकि बारिश में कमर कमर तक यहाँ पे पानी भर जाता है, जैसे स्कूल स्कूल चालू रहती है, स्कूल के बच्चों लोगों को काफी परेशानी होती है यहाँ से आने जाने में, तो कब तक यहाँ का काम चलेगा? ये काम अभी मेरे को बताया है, ये काम ये साल पूरा किया जाएगा। मामा, एक दूसरे विषय पर बात करना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा था जब मुंबई पब्लिक स्कूल का ओपनिंग किया गया था, तो आपने ये भी कहा था कि उर्दू स्कूल का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, इस विषय में क्या कहेंगे? जब वो पब्लिक स्कूल का काम चालू किया उस वक्त मैं उर्दू स्कूल के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसके बाद में मुस्लिम समाज के लोगों को लगा कि हमारी उर्दू भाषा टिकना चाहिए, उर्दू भाषा पढ़ने के लिए स्कूल होना चाहिए। उसके बाद लोगों को बुला के मैं कहा कि जिनका काम था, जो आपके धर्म के थे, उन्होंने 20 साल आपको ओनली वादा किया, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए उर्दू भाषा पढ़ने के लिए एक भी स्कूल नहीं बनाया। लेकिन मैं दिलीप लांडे, आपके बच्चे उर्दू स्कूल में पढ़ने के लिए, उर्दू भाषा पढ़ने के लिए, उर्दू भाषा टिकने के लिए, उर्दू भाषा बढ़ने के लिए मैं एक अच्छा स्कूल बना के दूंगा,
और ये 2023 में उसका काम शुरू करने जा रहा हूँ। मामा आप ये देख सकते हैं सामने जो अवैध पार्किंग लगी हुई है, यहाँ से यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है, छोटी गाड़ी अगर एम्बुलेंस भी यहाँ से पास नहीं हो पाती है। ऐसे में साकीनागा के जो ट्रैफिक सीनियर है अजीत पवार, उनको कई बार शिकायत दर्ज कराने पे भी कई बार लेटर देने के बावजूद यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही, इस विषय में क्या कहना? आप खुद यहाँ पे रहते हैं, आज तक तो यहाँ के लोगों ने और आप खुद भी कभी एक भी कंप्लेंट मेरे पास दिया नहीं है। अगर यहाँ के ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं कर रहे तो आप ट्रैफिक पुलिस के पास दिया होगा एप्लीकेशन, उसकी जेरोक्स मेरे को दे दो, ये जिम्मेदारी मैं मेरी पूरा कर दूंगा। तो ये तो चांदीवली के आमदार दिलीप मामा लांडे जो हमसे बात कर रहे